मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी इस वक्त पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, बहुत खुशी की बात है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हमारी पूरी कोविड हॉस्पिटल की टीम कि जिन्होंने इसका बहुत बड़ा काम किया, और सभी जितने 7 पेशेंट्स थे हमारे यहाँ पे, जो 6 पेशेंट्स जो फॉरेन कंट्री से यहाँ पे आए थे, और एक पेशेंट जो उनका एक का एक पेशेंट का भाई था, वो सभी के सभी ट्रीट हो चुके, सभी के सभी अभी एट प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर, और एक पेशेंट जो है वो कल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में जा रहा है और वो भी नेगेटिव हो चुका। गोवा ने आज तक मीन्स फ्रॉम द 22nd द जनता कर्फ्यू से आज तक यानी बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है। सभी जगह कोविड हॉस्पिटल एस्टाब्लिश कर दिया, पैथलैब एस्टाब्लिश कर दिया, और सभी अच्छी तरह से यानी बॉर्डर सील से लेके सभी जगह पे बहुत अच्छा काम कर दिया है। वन ऑफ द अचीवमेंट इधन हमने जो सर्वे पूरे स्टेट में घर घर सर्वे कर दिया, मैं पूरे सर्वे टीम की भी मैं अभिनंदन करता हूँ। इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम कर दिया है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया है। आज भी हम गोवा के पूरे बाउंड्री सभी सील कर दिए हैं और कोई गोवा में बाहर का आदमी कोई यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसी तरह से इन सभी के वास्ते हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी के वास्ते हम आज 0 केसेस गोवा में कह सकते हैं। बड़े गर्व की बात है हमें ये कहते वक्त कि आज हम 0 केसेस स्टेट बोल के अनाउंस कर सकते हैं। फिर भी मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। जिस तरह से लॉकडाउन 3 तारीख तक मेंशन किया, माननीय मोदी जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है वो 3 तारीख तक लॉकडाउन स्टेट में उसी तरह से रहेगा। जो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है उन लोगों को ही सिर्फ रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। 20 तारीख से जितना रिलैक्सेशन मिलता है स्टेट में इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गाइडलाइन, उन लोगों को ही सिर्फ उतना रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं गोवा के लोगों को फिर से एक बार कहता हूँ, जिस तरह से आप लोगों का सहकार्य मुझे अभी तक मिला है, उसी तरह का सहकार्य 3 मई तक आप लोगों से सहकार्य चाहिए। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और फिर से एक बार मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे सभी डॉक्टर्स का और हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स CS से लेके लास्ट स्टाफ तक जिन्होंने इसमें काम किया है, इस सभी का मैं सही में अभिनंदन करता हूँ। मुझे सभी मिनिस्टर्स और सभी टीम्स का जो मुझे सहकार्य मिला है, खास करके हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। सही में गर्व की बात है कि गोवा स्टेट में एट प्रेजेंट 0 केसेस है। ये मेंटेन करने की जिम्मेदारी गोवा के लोगों की है। ये वैसे ही स्टेट में 0 केसेस मेंटेन करें, इसीलिए 3rd तक कोई स्टेट में नहीं आना चाहिए, वही वो 3rd तक मेंटेन रहेगा, 3rd तक लॉकडाउन उसी तरह से रहेगा। धन्यवाद।